पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा से दूर करें अंडर आर्म्स का कालापन। इसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारा आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई लोग डार्क अंडर आर्म्स यानी अंडर आर्म्स के कालेपन की समस्या से परेशान रहते हैं। इसकी वजह से कई महिलाओं को स्लीवलेस कपड़े पहनने में झिझक महसूस होती है। वहीं कई लोगों को तो अपने हाथों को ऊपर उठाने में भी शर्म महसूस होती है। डार्क अंडर आर्म्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें हार्मोनल बदलाव, त्वचा में मेलेनिन का ज़्यादा उत्पादन, पसीने से होने वाली एलर्जी, बालों को हटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल या अधिक डिओड्रेंट का इस्तेमाल आदि शामिल है। अंडर आर्म्स के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग कई तरह की स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में आप चाहें तो बेकिंग सोडा की मदद से डार्क अंडर आर्म्स से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन सोडा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये डेड स्किन को साफ रखता है और त्वचा को इन्फेक्शन से भी बचाता है। दाग धब्बों को साफ करने और त्वचा की रंगत सुधारने के लिए भी बेकिंग सोडा बहुत ही प्रभावी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि अंडर आर्म्स का कालापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किन किन तरीकों से किया जा सकता है। बेकिंग सोडा से अंडर आर्म्स का कालापन कैसे दूर करें? तो बेकिंग सोडा और पानी। डार्क अंडर आर्म्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसमें 1 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने अंडर आर्म्स पे लगाएं और करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद त्वचा को गुनगुने पानी से धो लें। इससे अंडर आर्म्स का कालापन दूर होगा और त्वचा की रंगत भी साफ होगी। दूसरा तरीका है बेकिंग सोडा और नींबू। बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण अंडर आर्म्स के कालेपन को साफ करने में लाभकारी है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है। वहीं बेकिंग सोडा डेड स्किन को साफ करने और त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करता है। इसके लिए आप 1 कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पेस्ट बना लें। अब इसे अंडर आर्म्स पर लगाएं और नींबू के छिलके से रगड़ें। 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करें। अगला उपाय है हमारा बेकिंग सोडा और हल्दी। अंडर आर्म्स के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए आप बेकिंग सोडा और हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच पानी और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस पेस्ट को अंडर आर्म्स पर लगाएं। 15-20 मिनट के बाद इसे पानी से धो लें। आप हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा और हल्दी दोनों में ही ब्लीचिंग गुण होते हैं। यह त्वचा के कालेपन को दूर करने के साथ रंगत निखारने में भी मदद करता है। अगला उपाय है बेकिंग सोडा और दही। बेकिंग सोडा और दही का मिश्रण अंडर आर्म्स के कालेपन से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करता है। वहीं बेकिंग सोडा त्वचा को एक्सफोलिएट करने के साथ ही दाग धब्बों को साफ करने में भी मदद करता है। इसके लिए आप कटोरी में 2 चम्मच दही लें।
इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर के पेस्ट तैयार कर लें। अब इसे अंडर आर्म्स पर लगाएं, सर्कुलर मोशन में मसाज करें, करीब 15 से 20 मिनट बाद पानी से धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए हफ्ते में एक दो बार इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कई सारे उपाय बताए हैं, जो उपाय आपको अच्छा लगे, जो उपाय आप करना चाहें कर सकते हैं। सभी का रिजल्ट पॉजिटिव है और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ तो कमेंट करके हमें बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।